कोविड काळातील ॲम्ब्युलन्सचं थकीत बिल अद्याप न मिळाल्यामुळे तमाम मालक चालकांसमोर मोठं आर्थिक संकट उभं ठाकलं आहे. मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी ॲम्ब्युलन्सेस पालिकेच्या आवारात लावण्यात आल्या होत्या. कोविड काळात ॲम्ब्युलन्सची सेवा दिलेल्या मालकांना चालकांना थकीत बिल आजतागायत मिळालेलं नाही. बिल न मिळाल्यामुळे आर्थिक संकट उभं ठाकलं असून मालक आणि चालकांनी पालिका आवारात ॲम्ब्युलन्स लावून मागण्यांकडे लक्ष वेधलं. संघटनेचे प्रमुख तथा सामाजिक कार्यकर्ते लादेन यांनी थकीत बिल त्वरित देण्याची मागणी केली. केवळ आश्वासनांची खैरात करू नये, रोजीरोटीचा सवाल आहे असंही ते म्हणाले. जो सोलापूर महानगरपालिका कोयच जो चालू आता 2020 में मार्च के महीने में, तो मार्च के बाद कोयच के अंदर गाड्या लगने आले थे. आल्टो ने फोन करके बोला था कि भाई तुम्हारे जितने भी गाड़िया हैं महानगर पालिका को लगाना, जो भी बिल है हम मंजूरी करके लेंगे और आपको बिल देंगे. और सबको जो बोल के बता के हमको आल्टो साहब ने समझा कि हमको लेटर भेज के लाने लगे थे. हम महानगर पालिका को गाड़ी लगाए थे, 10-5-20 को गाड़ी लगाए हम. उसके बाद हमारे गाड़ियाँ 6 महीने चले. 6 महीने चलने के बाद उसका बिल देने की बात थी 2000. वहाँ से फिर वो 1000 रुपये तय करे उनके लिए. हम जो महानगर पालिका जो देंगी हमको वो मंजूर था बिल. हम वो मंजूरी के एतबार से हमारा 4 महीने जो गाड़ियाँ चले पूरे 4-5 महीने, उसके अंदर सभी गाड़ियों का बिल में 2-2 महीने का बिल दे के 6 जून को जो बिल दिए थे 6 जून के बाद अभी तक उसका बिल हमको 2 महीने का बिल अभी तक नहीं आया. जो हमारे आज लॉकडाउन है सबको परेशानी है. हम एम्बुलेंस वाले ड्राइवर मालक हो या कोई भी हो उसको परेशानी है. इसी एतबार से हम आयुक्त साहब से निवेदन करते हैं जो बिल हमारा 6 महीने हुआ हमको सता रहे. किस लिए सता रहे हमको कुछ पता नहीं. हम बार बार हम वो शिंदे ऑडिट करते साहब को हम बता रहे थे क्लार्क साहब को कि ऐसा ऐसा हमारे मांगने हैं अभी तक क्यों नहीं कर रहे. ये साहब की नहीं तो हम किसके कन जाना हमको पता नहीं. इसीलिए पिछले बार हम लगाए थे गाड़िया ऑपरेशन को, अभी भी हम गाड़ी ऑपरेशन को लगाए हुए हैं. हमारी मांगनी है पूरी करना है. बिल चेक पास हुआ बोल के हमको 6 महीने से आयुक्त साहब हमारे जो एम्बुलेंस के आयुक्त थे उनका नाम तो पता नहीं अल्लाह वली का, मगर वो आयुक्त साहब बोले 15 दिन में होगा बोल के. तो अभी तक वो 15 दिन जाके अभी 8 महीने हो रहा है, हमारा बिल अभी तक हमको पहुँचा नहीं. महापौर आणि पालिका आयुक्तांनी योग्य ती कार्यवाही करून ॲम्ब्युलन्सचे मालक चालकांना आर्थिक संकटातून मुक्त करावं, अन्यथा या सर्वांवर उपासमारीची वेळ उद्भवणार आहे असंही ते म्हणाले.